बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब में बारिशों का सीज़न है और जो लोग भी गाड़ी चला रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानब से एक अहम ऐलान जारी किया गया है कि सैलाब के वक़्त वादी अबूर करने पर आपको 5,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। जिसकी तफसीलात में बताया गया है कि बारिश और सैलाब के वक्त वादियों और नशेबी इलाकों को अबूर करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा, जिस पर 5 से 10,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। मंगल को हादम हरमैन शरीफान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना अजलास में इसकी मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के कानून में तरमीम करते हुए खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त नंबर 7 में शिक नंबर 6 का इजाफा किया है। मजकूरा शिक के मुताबिक अब बारिश और सैलाबी रेले के वक़्त वादियों नशेबी इलाकों और सैलाब की गुजरगाहों को अबूर करना खिलाफ वर्जी करार दिया जाएगा। ऐसा करने पर कम से कम 5,000 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। वाज़ह रहे कि सऊदी अरब के दही इलाकों में सराबी रेले के वक़्त वादी अबूर करना बाज लोगों के नज़दीक फखरिया समझा जाता है। इस शोक के बायस मुतद्दद हादसा रोनमा हो चुके हैं। दोस्तों, इधर आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग सऊदी अरब में गैर मुल्की रह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ऐसा जानबूझ कर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर बारिश का मौसम है तो आप बिल्कुल वादी या किसी भी ऐसे इलाके की तरफ मत जाएं जहां पानी या सैलाब आने का ख़तरा होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे इलाके में गश्त करते हुए पकड़े जाएं बेमकसद तो आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।